गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट क्लास सेवेंथ मैथ। जैसे कि लास्ट वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर टू की एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर वन एंड टू कंप्लीट किए थे, अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर थ्री से। और क्वेश्चन नंबर थ्री से हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारी क्या स्टार्ट हो जाती हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, सो एक्सरसाइज 2.3 की वर्ड प्रॉब्लम्स इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री से, और मैं समझता हूँ कि आई थिंक क्वेश्चन नंबर वन एंड टू आपने अपनी नोटबुक बुक में कंप्लीट कर लिया होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इफ़ यू हैव गॉट एनी प्रॉब्लम, देन यू कंसल्ट बाय द कॉल्स। नाउ सी क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 63। मीन्स कोई दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट क्या है, 63। और प्रोडक्ट क्या होता है, जब हम किन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट आता है वो हमारा प्रोडक्ट कहलाता है। इफ़ वन ऑफ दैम इज टू होल 1/4, यदि उन दोनों में से एक क्या है, 2 होल 1/4, सो फाइंड द अदर। तो हमें दूसरा जो नंबर है, दूसरा जो डिजिट्स है वो फाइंड करनी है। ओके, सो कैसे करेंगे, सी एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3। सी व्हाट इज द क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 63, इफ वन ऑफ देम इज 2 होल 1/4, फाइंड द अदर। ओके, सो प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट है हमारा 63। वन नंबर इज इक्वल 2 होल 1/4। लेट द सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एक्स। हमने सेकेंड नंबर सपोज कर लिया, मान लिया, लेट कर लिया कि एक्स है हमारा सेकेंड नंबर। अब एक्स की और इस नंबर की दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो हमारी क्या आएगी, 63 आएगी। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ x मल्टीप्लाई 2 होल 1/4 इक्वल 63। कितना आएगा, 4 2 8 8 and 1 9 9/4 मल्टीप्लाई x इक्वल 63। अब जब हम x को इधर हमारे मल्टीप्लाई में x की वैल्यू फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई में अदर साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में 9/4। अब आपको पता ही है कैसे करते हैं, डिवाइड का साइन चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और 9/4 का रेसिप्रोकल राइट करेंगे यहाँ पे 4/9। 9 1 9 9 7 63, राइट। सो एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारी, 7 × 4 = 7 4 = 28। सो एक्स इक्वल 28, तो वो हमारा जो सेकंड नंबर जो हमने लेट किया था क्या है, एक्स, तो वो क्या आएगा यहाँ पे, 28। तो हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर थ्री का, क्या आएगा, 28। वो क्या दूसरा नंबर कौन सा होगा जिससे हम 2 होल 1/4 की मल्टीप्लाई करके 63 प्रोडक्ट आएगा, क्या होगा, 28। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर फाइव, सॉरी क्वेश्चन नंबर फोर। व्हाई व्हाट नंबर 36/7 वी मल्टीप्लाइड टू गेट 18। 36/7 की हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें क्या मिल जाए, 18। ओके, ये हमें प्रोडक्ट क्या मिले, 18। तो वैसे सेम ही है लगभग। क्वेश्चन नंबर फोर, लेट करेंगे हम द नंबर
इज इक्वल क्या होगा एक्स, कि हम उसकी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा हमें 18। सो एक्स मल्टीप्लाई नंबर क्या दे रखा हमें 36/7, एक्स मल्टीप्लाई 36/7 इक्वल प्रोडक्ट हमें कितना मिल रहा है 18, राइट। सो 18 डिवाइडेड बाय 36/7, एक्स इक्वल 18, डिवाइड का साइन चेंज होगा मल्टीप्लाई में, इसका रेसिप्रोकल होगा हमारा 7/36। सॉल्व कर लीजिए, 18 बन जाए 18, 18 टू जा 36। सो एक्स इक्वल हमारा क्या आएगा 7/2, या इसको हम राइट कर सकते हैं 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 1 रिमाइंडर 3 होल 1/2। सो हमारा दूसरा नंबर एक्स इक्वल क्या आएगा 3 होल 1/2। ओके, तो हमें एक्स की सपोज वहाँ पे हमें बोला था कि 36/7 के मल्टीप्लाई किस नंबर से करेंगे 18 आ जाए, तो किस नंबर से करेंगे हम 3 होल 1/2 से। गॉट इट? ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 5 ही सेज वाई व्हाट नंबर शुड 4 होल 2/9 वी डिवाइडेड टू ऑब्टेन 19/27। ओके, ये हम 4 होल 2/9 में किस नंबर से डिवाइड करें कि हमें क्या मिल जाए 19/27। ओके, सो सी लेट divide by x, हमें किससे डिवाइड करना चाहिए x से। ओके, सो 4 होल 2/9 यही है ना, यस, डिवाइड बाय x इक्वल क्या आएगा हमारा 19/27, राइट। सो सॉल्व कीजिए इसको, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, 9 4 36 36 into 38/9, डिवाइड का साइन चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, x से क्या हो जाएगा 1/x इक्वल 19/27। ओके, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी, तो x इधर ही रहने दीजिए, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा बेटा किस में हो जाएगा डिवाइड 38/9। सो 1/x इक्वल 19/27, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में, और रेसिप्रोकल होगा हमारा 9/38। ओके, अब यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, 19 1 जा 19 19 2 जा 38, 9 1 जा 9 9 3 जा 27। सो 1/x इक्वल 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इक्वल क्या आ जाएगा 1/3 2 जा 6। सो 1/x इक्वल 1/6, जब हम इसका कंपैरिजन करेंगे, इनका रेसिप्रोकल लिखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा x इक्वल 6। सो वो कौन सी डिजिट होगी जिससे हम 4 होल 2/9 को डिवाइड करेंगे तो 19/27 आएगा, कौन सी डिजिट होगी वो 6। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है। सो क्वेश्चन नंबर 3 4 5 आपके कंप्लीट, और तीनों ही क्वेश्चंस को आप अपनी फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन राइटिंग में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 7 8 हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे बेटा। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।